अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद दानियाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DH लाहौर। आई एम बैक अगेन विद द न्यू रिव्यू ऑफ 9 प्रिज्म ब्लॉक के। के ब्लॉक जो 9 प्रिज्म में है वो रिंग रोड के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर इसको मैप पे भी अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो रिंग रोड जो आपकी है उसके बिल्कुल साथ ही, जैसे ही आप आशियाना कायद अपार्टमेंट्स वाला एग्ज़िट लेते हैं और साथ ही आप DHA में जैसे ही एंटर होते हैं तो H ब्लॉक और K ब्लॉक बिल्कुल साथ साथ हैं। और K ब्लॉक में जो इस टाइम डेवलपमेंट है और जो वहाँ पे प्राइसेस हैं और जो इस टाइम प्लॉट्स की कंडीशंस हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो लोग लो बजट में इस वक्त अपना प्लॉट लेने का सोच रहे हैं और जो नियर फ्यूचर में अपना घर भी इनफैक्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी और घर बनाने के लिए भी अपना प्लॉट ले सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। आप इसको वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। के ब्लॉक 9 प्रिज्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें सबसे मेन अट्रैक्शन जो है वो ये है कि आपको इसमें 5 मरले की भी ऑप्शन मिलती है, 10 मरले की भी ऑप्शन मिलती है और 1 कनाल की भी ऑप्शन मिलती है। 5 मरला जो इस वक्त इसका एवरेज रेट है वो वहाँ पे तकरीबन कोई 55-60 लाख से लेके मैक्सिमम कोई 80-85 लाख तक आपको 5 मरले का भी ऑप्शन मिलते हैं। और के ब्लॉक में जो 10 मरला है वो आपको इस वक्त ऑलमोस्ट 1 करोड़ 25 1 करोड़ 20 से लेके 1 करोड़ 35-40-50 के राउंड अबाउट आपको 10 मरले की ऑप्शन मिल जाती है। कनाल का रेट जहाँ पे तकरीबन कोई 1 करोड़ 90 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 20 25 30 के राउंड अबाउट है इस वक्त। और बात जहाँ तक की जाए यहाँ पे डेवलपमेंट की तो इट्स अ वेरी फाइनेस्ट ब्लॉक इन 9 प्रिज्म। अब हम लोग के डेफिनेटली विजिट्स होते रहते हैं, हम लोग क्लाइंट्स को विजिट करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन इट्स अ वेरी हैंडसम एंड वेरी ब्यूटीफुल ब्लॉक इन 9 प्रिज्म। और जो लोग लो बजट में अपने प्लॉट्स और जो अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो के ब्लॉक को ज़रूर प्रेफर करें। ऑल्दो इट्स नियर टू रिंग रोड, आप कह सकते हैं इट्स माइनर ड्रॉबैक। और अगर आप अप्रोच वाइज देखें तो जिसने रिंग रोड से आना है वो जैसे ही एग्ज़िट करेंगे बिल्कुल साथ आपका के ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, डेफिनेटली यू कॉन्ट चेंज एनीवनस माइंड। और जो लोग इस टाइम अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं या जो अपना इस टाइम प्लॉट लेके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं नियर फ्यूचर को तकरीबन कोई 2-3 साल के लिए, वो कहते हैं कि हम लोगों को कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो के ब्लॉक को ज़रूर प्रेफर करें। और इन माय पर्सनल ओपिनियन के ब्लॉक की डेवलपमेंट और जो के ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत हैं और उनकी जो ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो ऐसी है कि ऑन ग्राउंड लेवल प्लॉट्स हैं वहाँ पे। के ब्लॉक में आपका एक 150 फीट रोड पे इनका एक अलग से एक कमर्शियल भी है, पार्क, मस्जिद, स्कूल और जो ओवरहेड टैंक्स वगैरह हैं वो इस टाइम ओवरहेड टैंक इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है और पार्क भी नियर फ्यूचर में बन जाएगा जैसे जैसे यहाँ पे पोजीशन अनाउंस होगी। कुछ थोड़ा बहुत लिवेबल एरिया होगा तो पार्क्स भी डेफिनेटली यहाँ पे इमीडिएटली बन जाएंगे। और इसके अंदर अगर आप देखें जो इसकी विसिनिटीज़ हैं वहाँ पे इसके अंदर आपको जी ब्लॉक के अंदर 41 कनाल के ऊपर एक हॉस्पिटल है जो कि अप्रूव्ड है। 41 कनाल के अंदर एक हॉस्पिटल बनना है तो इसका बिल्कुल नियरेस्ट जो है के ब्लॉक से वो हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी है। अगर आप अगर अपना एक प्लॉट जहाँ पे भी लेना चाह रहे हैं वहाँ पे आप 9 प्रिज्म में स्पेसिफिकली अगर आप कुछ प्लॉट की इस टाइम ख़रीदारी करने का सोच रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और फॉर रीसेंट अपडेट्स और अगर आप कुछ सवाल वगैरह पूछना चाह रहे हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके और आपके क्वेश्चंस को एक अच्छे वे में आंसर किया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।